अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडिया स्टिचिंग कोर्स की। अल्हम्दुलिल्लाह से आज 21 क्लास है, 21वीं क्लास है जो कि मैं आपको देने जा रही हूँ। इस क्लास में मैं आपको सिंपल शलवार के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आजकल ट्राउजर और बेल्ट वाली शलवारों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन सिंपल शलवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीखें। जो न्यू हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो मेरे कोर्स की एक लिस्ट स्क्रीन पे नीचे चल रही है, आप वन बाय वन जाकर वो देखें, उनको विजिट करें, फिर ऐसा ऐसा करके आप अगली क्लासेस पर आएं, क्योंकि ड्रॉ मेकिंग पहले हुई हुई है और अब हम कपड़े पर काम करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैंने ये शलवार का कपड़ा लिया हुआ है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि शलवार का कपड़ा कुछ नॉर्मल बर में आता है, यानी ये होता है बर, ये होती है कपड़े की विड्थ। जैसे कि ये मैं अभी आपको बताती हूँ, अगर हम इसको यूं खोलें तो ये होती है कपड़े की विड्थ। कुछ नॉर्मल में आएगी, कुछ ज़्यादा में आएगी। ब्रांड वाले अपना साइज़ रखते हैं, उसमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप लोकल कपड़ा लेते हैं तो वो नॉर्मल बर होता है, उसमें आपको कलियाँ डालनी पड़ती हैं। अभी मैंने ये वाला जो बर लिया है इसमें कलियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको सिखानी है कटिंग एंड स्टिचिंग। कपड़े को हमने रखना है फोल्ड फोल्ड में, ये आ गया टू फोल्ड, वन और टू, और इसको हमने यहाँ से ऊपर जब घुमाया तो ये आ गया फोर्थ फोल्ड। अच्छी तरह से कपड़े के अंदर से आपने निकालनी है सारी सलवटें। चलते हैं अब निशान की तरफ। ये जो 2.5 इंच वाला मेथड मैंने आपको ट्राउजर में लगवाया है, ये आपने अपनी शलवारों पे भी यूज करना है, इससे बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे डालनी होती है इलास्टिक, उसके बाद हम तैयार का साइज लेते हैं, ये हमारे लिए आसान हो जाता है। अभी जो लेंथ निकालनी है ये मैं मीडियम साइज आपको बता रही हूँ। मीडियम साइज की लेंथ 36 होती है, लेकिन अगर कोई हाइटेड है तो उसकी 38 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये 36 इंच का मैंने साइज लिया है लेंथ का। और हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो ये ओपन एरिया होगा शलवार का साइज, आपने नेफे वाला साइज ऊपर रखना है, पांचे वाला साइज बंद हिस्से से निकालना है। अब ये आ गया आपके पांचे का निशान लेंथ का। इसके बाद जो आपने पांचा फोल्ड करना है वो 2 इंच में कपड़ा ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर से फोल्ड होगा और 1 इंच का हम पांचा बनाएंगे। सिंपल शलवारों में बहुत ज़्यादा पांचा चौड़ा अच्छा नहीं लगता। लेंथ के बीच में से आपने सबसे पहले कपड़ा कट करना है। कपड़ा हमने इतना अलग कर लिया, लाजमी नहीं आप सारा कट करें, कपड़ा बचाना भी जरूरी होता है। अब इसके बाद हमने लेना है आसन का साइज, पहले आप घेर ले लें करके। अच्छा, यहाँ से हम बात करते हैं घेर की। तो ये है ट्राउजर कटिंग शलवार। अब इसमें भी आपने वही मेथड यूज करना है कि अगर किसी की राउंड अबाउट 36 है, यानी किसी की राउंड अबाउट 36 घेर निकल रहा है, उसका हाफ देखें वन साइड 18 हो जाएगा, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा डाल के, जैसे हमने ट्राउज़र की बात की थी कि आपकी शर्ट की हिप लाइन जितनी भी होगी आपने 2 इंच फालतू उसमें रखना है। शलवार में भी हमने यही काम करना है कि हमने 2 इंच रखना है फालतू। अब 36 का हाफ अगर आप देखें तो 18 हो जाता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। 36 का हाफ जो होता है वो 18 हो जाता है, 18 में 19 और 20 दो प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमने इसका जो घेर रखना है वो 20 के लिहाज से रखना है, ये आ जाएगा थोड़ा सा मीडियम साइज में, स्मार्ट गर्ल्स का आ जाएगा। आप इससे भी लूज ऊपर से अगर रखना चाहें तो रख सकती हैं। वैसे 12 इंच मीडियम लोगों को 12 इंच यहाँ से परफेक्ट होगा। अब उसमें आपकी अगर हिप लाइन आ जाती है राउंड अबाउट में 36 आ जाती है, मैं ये 12 इंच का घेर अगर रख रही हूँ तो ये उन लड़कियों के लिए है जिनकी राउंड अबाउट 36 इंच आता है, और 38 इंच राउंड अबाउट आएगा किसी का आएगा 40 इंच राउंड अबाउट या 42 राउंड अबाउट, ये उन लोगों के लिए परफेक्ट होगी। 12 इंच का मैंने ये घेर रखा है। आसन में ये जो शलवार की है ये मैं ले रही हूँ 13.5 इंच। अब मैंने आपको जो ड्रॉ में करके बताई ये चीज़ वो है, मतलब बेसिक जो आसन का साइज मैंने आपको बताया वो 17 भी बताया है, 15 भी बताया है। अब क्योंकि हमने ये ट्राउज़र की कटिंग रखनी है, इसमें हम घेर ऊपर से कम रख रहे हैं, इसलिए हमें आसन भी छोटी रखनी पड़ेगी। 13.5 इंच का मैंने ये निशान लगाया है।
अब बारी आ जाती है थाइस की, तो थाइस से जो मैं घेर रख रही हूँ वो मैं इसका रख रही हूँ 20 इंच। अब यहाँ से आपने, हम ट्राउजर में तो ये राउंड शेप देते हैं, आपने राउंड नहीं देनी, जब हम शलवार काटते हैं तो शलवार में हमने ये वाली शेप देनी होती है। ये वाली शेप हम देंगे बिल्कुल यहाँ से, तिरछा कपड़ा ले जाएंगे। अब बारी है पांचे से इसको अटैच करने की, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो ये मैंने पांचे का एक्स्ट्रा साइज रखा है इसको आपने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ फोल्ड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से प्रेस भी कर सकते हैं। इसका ये फायदा होता है कि हमें बाद में पता चल जाता है कि हमारे इतना ही, मतलब हमने पांचा ऊपर फोल्ड करना है। 7 इंच पांचा इनफ होता है खड़ी शलवार के लिए, खड़ी शलवार के लिए 7 इंच पांचा इनफ होता है। अब यहाँ से आपने बिल्कुल इंची स्टेप इस तरह रख के नहीं घुमाना, आपने थोड़ा सा इंची स्टेप रखना है यहाँ साइड पे, 1 इंच पीछे की तरफ बेशक निशान ले लें, और यहाँ से अब आपने इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ से गोल हो जाना है थोड़ा सा। थोड़ी सी मैंने ये शेप दी है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी ये शेप होने हो गई हमारी। उसके बाद जो कटिंग होगी वो आपको पता है कि आपने यहाँ साइड से करनी है कटिंग। शलवार में भी बहुत ज्यादा कपड़ा रखने की जरूरत नहीं होती। अब जब मैंने ये पांचे यहाँ से गोल किया था, फिर मैंने पांचे का साइज लिया है राउंड करने के बाद, अब जब मैं कटिंग करूंगी तो आप देखिएगा इसकी ये शेप नीचे से कैसी बन रही है। पांचे का कपड़ा ऊपर फोल्ड किया था, ये देखें इसकी ये जो शेप बनी है। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपने बुकरम यहाँ लगाना है और इस कपड़े को जब फोल्ड करना है तो ये यहाँ से बराबर फोल्ड होता है। ये आ गई हमारी शलवार की कटिंग। अब मैं आपको चलें बताती हूँ स्टिचिंग के बारे में। सबसे पहले आपने जोड़नी है आसन, तो उसके लिए आपने इन कपड़ों को उठाना है, इसको भी खोलना है। अच्छा, ये आपको शेड कपड़े का लग रहा होगा फेडेड में, तो ये मैंने रफ कपड़े लिए हैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है सिखाना है, उसके बाद मेरे काम के तो हैं नहीं ना किसी और के काम के, तो इस वजह से हमने ये, मैंने ये बस रफली यूज़ के लिए लिए हैं। यूँ आपने कपड़ा रखना है ऊपर और फिर आपने आसन की सिलाई लगानी है, यहाँ से जो आपका निशान है वहाँ से आपने आसन की सिलाई लगानी है, दूसरी तरफ भी आपने आसन की सिलाई लगानी है। अब इस चीज़ में मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग इलास्टिक नहीं डालना जानते, तो इस चीज़ में मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने इलास्टिक डालने की जगह कैसे बनानी होती है जो दूसरी वाली इलास्टिक यूज़ करते हैं। बुकरम मैंने 1 इंच का काट के पांचे के लिए बना लिया है, 1 इंच का मैंने बुकरम काटा है, इसको पांचे ये यहाँ नीचे कपड़े पर पेस्ट किया है, और जो फालतू का कपड़ा था जो मैंने आपको कटिंग के दौरान बताया था उसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया और इसको यूँ अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे प्रेस कर लिया अच्छी तरह से। अब जब हमने सिलाई लगानी है, अब हम पांचे को ही पहले तैयार कर लेते हैं। सिलाई लगाते वक्त आपने नीचे की तरफ से एक सिलाई लगानी है, 1 पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ के, ताकि बुकरम की ग्रिप बनी रहे और कपड़े की भी ग्रिप बनी रहे। अक्सर पांचे तैयार करते हुए जो चुनट्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं, या तो आप बहुत किनारे पे सिलाई लगा रहे होते हैं या आप इधर लगा रहे होते हैं, बेहतर यही है कि पहले आप ये एक सिलाई लगाएं। पांचे आपकी चॉइस है कि आप बहुत सारी सिलाइयाँ लगा कर भी तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 2 सिलाइयों के साथ भी रेडी कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हम लगा रहे हैं सीधी सिलाइयाँ, तो जो मैंने आपको स्टार्ट में सीधी सिलाइयों की प्रैक्टिस बताई थी वो मैंने आपको बिला वजह नहीं बताई थी, वो प्रैक्टिस इन्हीं चीज़ों की थी। अब अगर जिसने वो प्रैक्टिस की होगी उसकी ये सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी, उसको सिलाई लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और पांचा ऐसी चीज़ है कि उस पर आपकी सिलाई सीधी लगी होगी तो खूबसूरत तभी लगेगा। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपने एक लास्ट में सिलाई लगानी है ताकि आपके पांचे की फिनिशिंग बरकरार रहे। सिलाई
सिलाई लगाने के बाद आप इस पर अच्छे से करें प्रेस। इसी तरह का मैं दूसरा पांचा भी तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। दोनों पांचों की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब आपके लिए आसानी है कि आपने इनको रखना है सीधा और अब हमने लगानी है आसन की सिलाई। आसन की सिलाई आपने लगानी है। जो लोग इलास्टिक के साथ बेल्ट नहीं तैयार कर सकते, मैं इस शलवार में उन लोगों के लिए भी बता देती हूँ कि आपने ये किस तरह से इलास्टिक डालने वाला जो होता है एरिया उसको तैयार करना होता है। यहाँ से हम आसन की सिलाई लगाना शुरू करते हैं। जैसे आपने निशान लगाए होते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब आपकी कटिंग परफेक्ट है तो आपका ड्रेस भी परफेक्ट है, आपकी स्टिचिंग भी परफेक्ट है। क्योंकि जब आप कटिंग के दौरान जो निशान लगाते हैं, डेफिनेटली आप उसी पर ही चलते हुए सिलाई लगाते हैं, तो इसलिए अपने निशानों को बेहतर कीजिए, अपनी कटिंग को बेहतर कीजिए, ताकि आपका सूट ख़राब स्टिच हो ही ना सके। ये सिलाई हमने जब लगा ली है तो उसके बाद आपने जो इलास्टिक डालना है के वाला काम करना है। दूसरी साइड की भी आसन की सिलाई लगा लेती हूँ पहले। सबको बराबर करें आप। आपको ये करना है कि आपने इस कपड़े को ऐसे खोलना है और यहाँ से जिस तरह आप चौक या दामन को फोल्ड करते हैं उस तरह की आपने ये सिलाई लगानी है, इसको फोल्ड करना है। जहां तक आपका नेफा मोड़ने का ऑप्शन है वहां तक। अब इसको आप चाहें तो अभी यहाँ से कट कर सकती हैं। अच्छा जी, ये मैंने खोल लिया है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सेपरेट इलास्टिक डालनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो बेल्ट साथ सिलाई की भी इलास्टिक को पसंद नहीं करते हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इलास्टिक साथ सिलाई करनी है, वो ट्राउज़र के तरीके से ही इलास्टिक को डालेंगे, जैसे मैंने आपको ट्राउज़र पे बताया है। इसके बाद बारी आ जाती है मैं, और नॉर्मली जो सिंपल नेफा फोल्ड होना है वो तो आप सबको ही पता है कि वो इस तरह रख के फोल्ड किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल आप लोगों को कॉमन सी चीज़ है, पता होगा कि इतना इतना आपने रखना है और राउंड अबाउट इसको फोल्ड कर देना। अब बात आ जाती है दरमियान की सिलाई की। तो जब आपने दरमियान की सिलाई लगानी है, उसका तरीका ये है कि जैसे कि ये यहाँ पे आप देखें कि ये थी, हमने निशान लगाए थे एंजिस टेप के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी एक तिरछी क्रीज नहीं बनी थी निशान से। इसका तरीका कार ये है कि जब आपने दरमियान की सिलाई लगानी है तो आपने यहाँ से साइज़ लेना है आसन पांचे का। आपका अगर 7 इंच पांचा है तो आपने उसको ऐसे फोल्ड करना है। आपने 7 इंच पांचा लेना है अगर, तो उसको आपने इस तरह से करके फोल्ड करना है और आसन से अपनी शलवार को पकड़ना है। आसन से अपनी शलवार को पकड़ना है। अभी देखें बीच में ये कपड़ा फोल्ड हो जाता है, ये कपड़ा बीच में फोल्ड होता है। जहाँ वो फोल्ड हो रहा है आपने उसको नीचे रखना है और इसके ऊपर अच्छे से इस्त्री करनी है। उस इस्त्री की मदद से बन जाएगी आपकी ये क्रीज। इस क्रीज पर फिर आपने लगानी है सिलाई। वो ये फिर आपकी शलवार खींचती नहीं है, आपकी शलवार में से कभी टांके उधड़ते नहीं हैं। अक्सर लोगों के ये दरमियान में से टांके उधड़ते हैं, उनकी यही वजह है।
यहाँ से आपने टांका तोड़ना है, मशीन से शलवार को निकालना है। ट्राउज़र पे भी मैंने आपको यही बताया था, आपने हर तरह से जो भी शलवार आप सिलाई कर रहे हैं आपने इसी तरह से करना है। अब आपने दोबारा से पांचे से सिलाई शुरू करनी है। अगर आप डायरेक्ट ही नीचे तक आ जाएंगे, मतलब दूसरे पांचे की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, तो पांचा भी अनबैलेंस हो जाता है और आपकी आसन की सिलाई भी पक्की नहीं होती है। ये देखें, इस तरह दूसरी तरफ से सिलाई शुरू करने से आसन पे लग गई है डबल सिलाई। अब चाहे तो आप अंदर से कपड़े को कट कर सकते हैं, मजीद ट्रिम कर सकते हैं। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब आपकी इतनी ट्रेनिंग हो जाती है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर ये चीज़ें कॉमन सी लगना शुरू हो जाती हैं। फिर आप यूँ बाद में नहीं काट रहे होते हैं, फिर आप उस चीज़ को उतना ही रखते हैं जितना आपको चाहिए होता है। तो जैसे कि अब मैं हूँ, तो मैं बाद में इस तरह से साथ साथ ट्रिम नहीं कर रही होती हूँ, ये तो एक्स्ट्रा रखा है जिसकी वजह से अंदर से काटना पड़ रहा है। मैं स्टार्ट में इतना रख लेती हूँ कि बाद में काटने की ज़रूरत ही ना पड़े। शलवार हो चुकी है रेडी। ये देखें जी, शलवार हो गई है तैयार और मैंने इसकी प्रेसिंग भी कर ली है। आपको नज़र आ रहा होगा इसका ऊपर से घेर, इसकी थाइस। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको उठते बैठते खींचनी पड़ेगी, आपकी शलवार यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगी नहीं। घेर तो हमारा उतना ही आ गया है, ऊपर इलास्टिक वाली जगह हमने कर दी है छोटी। उससे ये होगा कि आपकी शर्ट के अंदर से ये इलास्टिक डालने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर चुनट्स नहीं फील होंगे। तो ये हो गई शलवार रेडी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, 5-7 इंच ही तैयार होता है नॉर्मल। इससे बड़ा आप रखेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ये 7 इंच पांचे के साथ खड़ी शलवार है। ओके जी, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रा एक्सपर्ट कोर्स की तरफ चलेंगे तो उसमें हम मज़ीद आपको बताएँगे और चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।